एनिमल से बॉबी देओल का एंट्री सीन भयंकर वायरल हो रहा है। लोग जमलकुडू में बॉबी के डांस स्टेप पर रील बना रहे हैं। बॉबी ने हाल ही में बताया है कि वो डांस उन्हीं का आइडिया था। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे कि आगे इस सीन में खुशनुमा माहौल नहीं रहता है। बॉबी के किरदार अबरार को खबर मिलती है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। वो पहले खबरी को चाकू गोद कर मार डालता है, फिर खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगता है। बॉबी का इमोशन देखने वालों को हिट करता है। बॉबी ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि वो इमोशन दिल की गहराई से बाहर कैसे आया। उन्होंने आई ड्रीम मीडिया से कहा है कि उस सीन के लिए उन्होंने कल्पना की कि उनके भाई सनी को ही उन्होंने खो दिया है। इसके बाद एक शॉट में टेक फाइनल हो गया। इस बारे में बॉबी ने बताया, जब मैं फिल्म में वो सीन कर रहा था वो एक भाई के दूसरे भाई को खोने के बारे में था। एक एक्टर के नाते हम इमोशन बाहर लाने के लिए हमारी ज़िंदगी की घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास उनका पूरा बैंक है, मेरे भाई मेरी पूरी दुनिया है। जब मैं सीन परफॉर्म कर रहा था तब ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने भाई को खो दिया है। इसी वजह से जब मैं भाव प्रकट कर रहा था तब वो बिल्कुल असली लगा, उन्होंने आगे जोड़ा। इसी कारण हर कोई उस मोमेंट को महसूस कर पाया, हमने एक से ज़्यादा टेक नहीं लिया। संदीप शॉट के बाद मेरे पास आए और बोले, सर ये अवार्ड विनिंग शॉट है। मैंने कहा, संदीप थैंक यू सो मच, तुम्हारा ऐसा कहना बहुत मायने रखता है। एनिमल के रिलीज़ के बाद से बॉबी देओल लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। उन्होंने पिंक विला को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माँ एनिमल का क्लाइमेक्स नहीं देख पाई थी। फिल्म के एंड में बॉबी के किरदार को मार दिया जाता है। बॉबी के मुताबिक उनकी माँ ने कहा, ऐसी फिल्म मत किया कर तू, मुझसे देखा नहीं जाता। इसके बाद बॉबी ने उन्हें समझाया कि वो एकदम ठीक हैं और उनके सामने खड़े हैं। बॉबी कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि उनका परिवार बेहद इमोशनल है। बीते जुलाई में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज़ हुई थी। फिल्म में धर्मेंद्र ने अहम रोल किया था। बॉबी बताते हैं कि एक स्पेशल स्क्रीनिंग में वो फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं देख पाए थे। दरअसल फिल्म के एंड में धर्मेंद्र के किरदार की मृत्यु हो जाती है। बॉबी का कहना था कि वो स्क्रीन पर ऐसा नहीं देख सकते थे। साल 2023 देओल परिवार के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। सनी देओल की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रोला काटा। रॉकी और रानी में धर्मेंद्र का काम पसंद किया गया। बाकी एनिमल बॉबी देओल के क्रेज को कई गुना ऊपर ले गई है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि एनिमल के बाद बॉबी देओल तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी विलन बनने वाले हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लिखी थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं मनीषा, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।